अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो, या तो आप इसको देख लिए होंगे या नहीं तो 2-3 दिन के बाद आपके पास पहुंच जाएगा। बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ, उसमें ऐसे क्वेश्चन आए थे जो जिसको हम टफ नहीं कह सकते, वो बकवास क्वेश्चन था, वाहियात था, उसका कोई औचित्य नहीं था, ऐसा क्वेश्चन था। तो इनका गुस्सा जायज है, क्योंकि आप जिस वेपन को लेके जाएं और वहां काम नहीं आए तो आपके लिए वेपन खराब है, ठीक। तो इनका गुस्सा जायज है, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपको गुस्सा कहीं और भी दिखाना चाहिए था। जो क्वेश्चन ये पब्लिश करते हैं या जो क्वेश्चन जो जो मोनेटाइज करते हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं उन पे, क्योंकि बिहार का आप कोई भी एग्जाम देख लो, किसी भी एग्जाम का 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि वो पूरा आपको रिलेवेंट लगेगा। कहीं अदर का एग्जाम दो तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये क्वेश्चन हमको पढ़ के जाना चाहिए था, ये इंपॉर्टेंट था, ये पढ़ के जाते तो हमको ये क्वेश्चन बन जाता। लेकिन अब बिहार का एग्जाम देखे आओगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्या क्वेश्चन था, मतलब अलग ही लेवल का पूछता है। टफ करना अलग चीज़ होता है और बाह्यात चीज़ अलग होता है, तो यहाँ पे वो बाह्यात ही होता है। चाहे आप बिहार का कोई भी एग्जाम देख लो, चाहे वो अभी जो बिहार वो SSC हुआ था बहुत पहले, वो वाला देख लो, पुलिस का देख लो, SI का देख ही लिए हो, दरोगा, इसमें तो BPSC में तो हद ही पार कर दिया है, 5वां ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, मतलब कोई भी क्वेश्चन अब इनका गलत नहीं होगा, कुछ होगा तो 5वां ऑप्शन। और एक क्वेश्चन तो हद कर देता है, आप 10 सेट BPSC का प्रीवियस ईयर निकालो, 5 में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि पानी का pH कितना होता है, और आंसर उसका 7 नहीं होगा, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, और उसका BPSC के अकॉर्डिंग जो आंसर की है उसमें ये है, क्योंकि पानी का pH पूछा गया था, शुद्ध पानी का pH आपसे नहीं पूछा गया था, वो कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, तो इनका अलग ज्ञान चल रहा है। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही जो क्वेश्चन छापते हैं ना, वो अपने दिमाग में ये डाल के बनाए कि आप जिस क्वेश्चन जिस स्टेट का एग्जाम के लिए क्वेश्चन आप बना रहे हैं ना, पूरे भारत में एजुकेशन के मामले में सबसे नीचे स्तर पे यहाँ का एजुकेशन है। आपको काम करना चाहिए यहाँ की शिक्षा को बढ़ाने के लिए, यहाँ का क्वेश्चन हार्ड करने के लिए नहीं। भाई आप पहले तैयार तो कीजिए उस लायक, यहाँ का शिक्षा सबसे घटिया है, क्वेश्चन ऐसा आएगा जैसे लगेगा कि बाप रे बाप, हम मतलब नासा वाले का एग्जाम ले रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन ना पूछे कि जैसे शनि तक कोई नहीं पहचाना, चलो शनि पे क्या है, और दरोगा वाला बच्चा बताएगा अच्छा ये है, पेपर निकलेगा नहीं, जिसको नासा ने नहीं खोजा था ना, बिहार दरोगा की परीक्षा में पता चला कि वहां पे ये भी है। भाई थोड़ा लिमिट में, मतलब हार्ड करना और बाह्यात करना अलग चीज होता है। तो और इससे अधिक क्या कहेंगे, मतलब पूरा बकवास था भाई। मतलब ऐसा ऐसा बच्चा जिसका SSC CGL जो है ना, इस बार उसको 173 173 नंबर आया है, वो इसमें 55 नंबर, मतलब 55 सही है, फिर हम तुक्का कर दिए, ऐसा कर दिया, मतलब ऐसा ऐसा हाल है भाई। तो आप क्या क्या ले रहे हो आप, और इसमें जो टॉप भी कर जाएगा ना, जो इस बार दरोगा में नौकरी भी ले लेगा ना, तो एट फर्स्ट तो अगर 55 50 पे कटा पाता है तो ठीक है, जेन्युइन बच्चा जाएगा। अगर 60 65 70 पे कट ऑफ जा रहा है ना, तब उसमें वही बच्चा जाएगा जो तुक्का पे नौकरी दिया है, तो बस जैसा वो चला ले, तो बस और अब क्या कहेंगे, मतलब गुस्सा में और क्या कहें, बुरा ही निकलता है। तो चलिए जितना फैलाना हो फैला दीजिए, क्योंकि जहां गुस्सा दिखाना चाहिए वहां पे दिखा।